इन लोगों ने गरीबों के राशन पर डकैती डाली, इन लोगों के द्वारा नौजवानों की नौकरी पर डकैती डाली गई, इनके कारण बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ी थी, इनके कारण देश के अंदर अराजकता का वातावरण पैदा हुआ था, और ये लोग भारत के विकास को बाधित करने वाले लोग हैं। बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्तों की टीम खड़ी है। राम भक्त के लिए देश ही सर्वोपरि है, राम भक्त के लिए जनता जनार्दन की सेवा ही महत्वपूर्ण है, राम भक्तों के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना महत्वपूर्ण है, और इसलिए राम भक्तों ने एक झटके में देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का भी समाधान किया, नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान किया, और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, आज आप देख सकते हैं, पहले कांग्रेस के समय में आतंकी विस्फोट होते थे, और जब सांसद के रूप में हम सरकार से कहते थे कि भाई इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी, कहती थी आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे 10 वर्ष में कहीं आतंकी घटना नहीं हुई, और कहीं पटाखा भी जोर से फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कहीं लेने को देने ना पड़ जाए, उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो ठीक ठाक से उसको जवाब देकर के छोड़ता भी नहीं है।